लिखो जरा। लिखो इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट बताया था मैंने, नहीं अब बता रहा हूं, चिंता ना कर, ठीक है। इलास्टिक लिमिट, भाई जल्दी ज्वाइन करो, अभी तो कम ही लोगों ने ज्वाइन किया, गधे हैं। इलास्टिक लिमिट, ध्यान सुनो भाई, इलास्टिक लिमिट का खेल क्या है, आप ऐसे देखो, आपके पास मान लो ये दीवार है और ये आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ, क्लियर है। अब आप स्प्रिंग को हल्का सा खींचते हो, थोड़ा सा खींचा आपने, फिर उसके बाद क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो स्प्रिंग क्या करती है, वापस अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाती है कि नहीं आ जाती है? हाँ या ना? थोड़ा सा और खींचो और छोड़ दिया, वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाती है कि नहीं आ जाती है? थोड़ा और ज्यादा खींचो, अब ये वापस नहीं जाती है, कई बार होता है ऐसा, और पेन वाली स्प्रिंग की देखो, थोड़ा सा खींचो छोड़ दो वापस गई, थोड़ा सा और खींचो छोड़ दो वापस गई, थोड़ा ज्यादा खींच दो वापस नहीं जाएगी, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जब तक आपने डिफॉर्म किया और रिलीज किया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, मतलब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गई, तो हम उस लिमिट तक को क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट कहेंगे। उसके बियॉन्ड अगर हम डिफॉर्म करते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट वुड बी बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। तो लिखो जरा, क्या चीज, क्या कह रहा है? हाँ मैं स्लो ही कराऊंगा, ठीक है, मैं स्लोली ही पुल करूंगा, ये ध्यान रखना। अब लिखो जरा, लिखो यार ये क्या नाटक है। हाँ हम छोड़, स्लोली चल रहे हैं सारा, लिखो जरा यार, ये एडमिट क्यों करने पड़ रहे हैं मुझे बच्चे। चलो अब देखो भाई, लिखो मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन, मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच body can regain its original configuration after removal of deforming forces is called elastic limit, ठीक है, मतलब maximum stress, ठीक है, इतनी बात। जब तक आपने बॉडी को डिफॉर्म किया और रिलीज कर दिया तो बॉडी अपने शेप को क्या करेगा, रीगेन करेगा, या अपने कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करेगा, ठीक है। लिखो जरा, इफ बॉडी इज डिफॉर्म्ड बियॉन्ड दिस लिमिट, इफ बॉडी इज डिफॉर्म्ड बियॉन्ड दिस लिमिट, अगर बॉडी को हम इस लिमिट के बियॉन्ड डिफॉर्म करते हैं, ठीक है, इतनी बात। इफ बॉडी इज डिफॉर्म्ड बियॉन्ड दिस लिमिट, then after removal of deforming forces body cannot regain its original configuration, मतलब हो सकता कुछ regain कर जाए लेकिन original configuration को regain नहीं कर पाएगा, body cannot regain its original configuration, clear है। इसका मतलब कुछ deform रह जाएगा, यस और नो, दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, परमानेंट सेट, उसको क्या कहते हैं, परमानेंट सेट कहते हैं, कि इतना डिफॉर्म अब रहेगा हमेशा, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो दैट इज रिमेनिंग डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, दैट इज रिमेनिंग डिफॉर्मेशन इन द बॉडी
इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट. हाँ, मैंने यही तो कहा, विद इन इलास्टिक लिमिट. अगर तूने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो बॉडी अपने शेप को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा. अगर उससे ज्यादा तूने डिफॉर्म कर दिया और अब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो बॉडी अपने शेप को कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगा. तो जितना भी बचा हुआ डिफॉर्मेशन रह गया, दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, परमानेंट सेट. ठीक है, दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट. और वी से बॉडी इज ओवर स्ट्रेन्ड, और वी से बॉडी इज ओवर स्ट्रेन्ड. इतनी बात हो गई. अब थोड़ा सा अलग कहानी देखते हैं. अब लिखो जरा हुक्स लॉ. हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है? रॉबर्ट हुक था शायद, पता नहीं. रॉबर्ट हुक ही वही था शायद. ठीक है, इससे क्या हो गया भाई? ठीक है, मतलब साइंस वाले लोग पहले बेसिकली फिजिक्स के ही लोग होते हैं, बाकी जगह घुस जाते हैं. ठीक है, क्या मतलब सारी चीजें कर लेते हैं. ठीक है, जिसको फिजिक्स आती है सब कर लेगा, उसे मैथ्स भी आती है, सब कुछ आता है. ठीक है, अब तुम तो बायो पढ़ रहे हो ना? ठीक है, फिर मैं ज्ञान बांट ही देता हूँ थोड़ा सा, है ना. सर्कुलेशन पढ़ लिया, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ लिया. ब्लड सर्कुलेशन तो जैसे कहीं पर, मतलब जैसे किसी को आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया. ठीक है, इतनी बात. तो ब्लॉकेज हो गया तो एक तो होता है एंजियोग्राफी, एक होता है एंजियोप्लास्टी, है ना. ग्राफी, एंजियोग्राफी क्या होता है? और फ्लूइड चला देते हैं. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, फ्लूइड चला देते हैं, तो आर्टरी में से ब्लॉकेज उस मोमेंट पे हट जाता है. उसके बाद अगर एंजियोप्लास्टी नहीं कराई मैंने तो ब्लॉकेज फिर हो जाएगा. हाँ या ना? तो अगर मैंने एक बार ब्लॉकेज हटा दिया तो दोबारा क्यों हो जाएगा? तुम बताओ बायो वाले स्टूडेंट, मतलब मैंने एक बार जब ब्लॉकेज हटा दिया तो ब्लॉकेज बार बार क्यों हो रहा है? अरे आप जबरदस्ती की बात कर रहा है, मजे कर रहे हैं. अरे भाई किसी ने भी कराया हो लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए. फिजिक्स है भाई ये, मतलब अभी फ्लूइड में पढ़ेंगे. ठीक है, फ्लूइड में ये चीज पढ़ेंगे. चुप, अभी फ्लूइड में पढ़ेंगे. एक बार ब्लॉकेज हो गया तो बार बार होता रहेगा. ठीक है, इसीलिए एंजियोप्लास्टी करानी जरूरी पड़ जाती है, स्टंट डालना ही पड़ता है. ठीक है, चलो बाईपास अलग प्रोसेस है. ठीक है, अब सुनो भाई, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे. मतलब सारा सर्कुलेशन ही फिजिक्स पे डील कर रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स पे. ठीक है, अब देखो भाई बातें चुप सुन ले. अब तो हुक्स लॉ क्या कहता है, लिखो. विद इन इलास्टिक लिमिट, अभी खोज लेना कि आर्टरी में एक बार ब्लॉकेज हो गया और आपने उसे मतलब हटा भी दिया तो दोबारा फिर ब्लॉकेज हो जाएगा. फिजिक्स के प्रिंसिपल की वजह से होगा, तो क्यों होगा ये पता करना है. ठीक है, अभी आगे चल के पढ़ लियो अगले चैप्टर में, लिक्विड में. अब लिखो हुक्स लॉ. विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब अगर बॉडी पे से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो बॉडी अपने शेप को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा. तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ कहता है भाई. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यस और नो? लेकिन कब तक के लिए? विद इन इलास्टिक लिमिट. अब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहूंगा. तो एफ इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू ई. ठीक है, दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है,
यूनिट क्या हो गई इसके, स्ट्रेन वाली हो गई। क्यों हो गई स्ट्रेन वाली, क्योंकि सॉरी स्ट्रेस वाली, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, अब हमने तीन टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े थे, तो तीन टाइप का ही क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Different type of modulus of elasticity. अब different type of modulus of elasticity में सबसे पहले लिखो Young's modulus of elasticity. अब Young's modulus में क्या है, longitudinal stress is equal to Young's modulus into longitudinal strain, yes or no? ठीक है, अब अगर मैं ऐसे देखूं कि मेरे पास एक ये दीवार है, ये रॉड है, बातें नहीं, रॉड की ओरिजिनल लेंथ कितनी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना Y। अब मैंने इस पे क्या लगाया, इधर की तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया F, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, सपोज हो गया कि नहीं हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, तो चेंज इन लेंथ इज व्हाट, डेल्टा एल। ये फॉर्मूला लेकिन वैलिड तब तक है जब तक हम विद इन इलास्टिक लिमिट बात कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बियॉन्ड प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होती, कुछ और कहानी आ जाएगी। ठीक है, अब जरा देखो, अब एफ लगा तो इधर की तरफ क्या लग जाएगा, एफ रिस्टोरिंग, और वो खुद ही किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। तो अब स्ट्रेस एफ अपॉन ए इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल अपॉन एल, ये रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? ठीक है, ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे बढ़े, अब इसके बाद हमारे पास आता है, लिखें अगला, लिखो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बातें नहीं, इसमें क्या कहानी हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही है कि नहीं है? अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता था, चेंज इन प्रेशर, तो लेट दिस बी व्हाट, डेल्टा पी, एक मतलब बढ़ा प्रेशर या घटा जो भी हुआ, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू बी बी डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। एक चीज जरूर है, यहां पर माइनस साइन लगा देता हूं, बता रहा हूं क्यों, अगर प्रेशर बढ़ा होगा तो डेल्टा बी क्या होगा, नेगेटिव होगा, हाँ या ना? क्योंकि बी को क्या होना है, पॉजिटिव होना है। ठीक है, इतनी बात, तो मुझे दोनों साइड पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और अगर प्रेशर घटा तो ये नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो सामने क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात, तो ये आ गया, तो बी कितना आ गया हमारे पास, बी इज, बातें नहीं, वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी माइनस साइन के साथ, या इसी को लिख सकते हैं माइनस वी डीपी बाय डीवी, यस सुनो, पक्का ठीक है भाई? थर्मोडायनेमिक्स में हमने गामा पढ़ा है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट डेफिनेशन, हाँ और क्या, डेफिनेशन नहीं होती, फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैथमेटिकल हो गया, ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर्मूला बता, ठीक है, रेशियो ऑफ एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ आइडियल गैस टू दैट ऑफ आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ आइडियल गैस इज व्हाट,
एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा, ठीक है, अभी हम बात करेंगे बाद में, ठीक है, ये आ गया अपने पास, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अरे बताऊंगा मैं, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाऊंगा ना, क्यों परेशान है उसके लिए, मैं तुम्हें चेक कर रहा हूँ कितना सही पढ़ रहे हो, कितना आधा अधूरा पढ़ रहे हो। अबे यार वो तो मैथमेटिकली आई ना वो बात, क्यों तुमने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ लिया ना, ठीक है, अब आइडियल गैस की कंप्रेसिबिलिटी से आती है कहानी, एडियाबेटिक कंप्रेशन अलग होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन अलग होता है, ठीक है, वहां से आता है। अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ठंड रख, अब ज्यादा मजे मत लो, सुनो पहले, तो ये क्या आ गया हमारे पास, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माइनस वी डी पी बाय डी वी, लिखो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है भाई। अब इसके बाद अगला आता है हमारे पास शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या चीज, क्या कह रहा है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या, देख B इज इक्वल टू माइनस V डी पी बाय डी वी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज, ठीक है, तो इसका क्या करूंगा, डी वी बाई वी निकालना है मुझे, ठीक है, इतनी बात, तो डी वी बाई वी ये हो जाता है के, के से डिनोट कर रहा हूं कंप्रेसिबिलिटी को, दैट इज माइनस वन अपॉन वी डी वी बाई डी पी, प्रेशर के चेंज होने के साथ वॉल्यूम में जो क्या आया, चेंज आया, ठीक है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है, इतनी बात, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, ठीक है, का रेशो किसके साथ, ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ, ठीक है, वो कंप्रेसिबिलिटी हो गई। और आपने केमिस्ट्री में कंप्रेसिबिलिटी अलग पढ़ा हुआ, शायद Z पढ़ा हुआ है, Z क्या पढ़ा था, Z क्या होता है, रियल और आइडियल गैस का खेल डिटरमाइन करते हैं मुझसे, वो एक कर्व होता है पी वी और टी का, आर टी का जो भी है, ठीक है, उस कर्व से पता चलता है कि कंप्रेस, चलो वो भी मैं कराऊंगा, चिंता ना करो, ए और बी की वैल्यू भी निकलवाएंगे, आपने ए और बी की वैल्यू शायद सिर्फ याद कर रखी है, टी सी अपॉन 27 बी करके कुछ इस टाइप से, हाँ, तो चिंता ना करो, सारा मेरा काम है, परेशान ना हो, आराम से पढ़ाने दोगे तो, देख आराम से पढ़ाने दोगे तो, नहीं तो फिर मैं फिर काट दूंगा, मेरा काम नहीं हो, ठीक है। अब देखो भाई, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अब इसमें क्या है, एफ शेयर इज इक्वल टू नीटा, नीटा इज व्हाट, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू ई शेयर, तो नीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया वाला कौन सा, टेंजेंशियल जिसपे लगा था, समझ में आ रही बात, और ई क्या था, फाई था अपना, अरे याद है कि नहीं, इतना ही लिख लो, अभी जो सवाल करेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में, हो गया, तो हमने तीनों डिफाइन कर लिए। चलो अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इलास्टिसिटी के बारे में, अरे टेन फाई को फाई लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। अब पहला पॉइंट लिखो, बातें नहीं सुन, एक मिनट, पहला पॉइंट, सॉलिड्स पोजेस ऑल थ्री मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक बात बताओ, सॉलिड की लेंथ भी बदल सकते हो आप, वॉल्यूम भी बदल सकते हो, और शेप भी बदल सकते हो, हाँ या ना, तो सॉलिड पोजेस ऑल थ्री मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पक्का ठीक है। फ्लूइड्स, फ्लूइड मतलब कौन, लिक्विड और गैसेस, क्या लिक्विड और गैस की लेंथ चेंज कर सकते हो, पकड़ के तो नहीं कर सकते, है ना, ठीक है।
ना ही उसका क्या कह सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हो पकड़ के आप, ऐसे को गैस को मैं ऐसे झुका दूं, नहीं कर सकते आप, ठीक है, इतनी बात। वो अब तो शेप ऑफ कंटेनर ले लेगा अपना, ठीक है। तो यानी कि यंग्स और शियर लिक्विड और गैसेस में नहीं होंगे, सिर्फ कौन सा होगा, बल्क वाला होगा। तो लिखो जरा, फ्लूइड्स ओनली पोजेस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फ्लूइड्स ओनली पोजेस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फ्लूइड्स ओनली पोजेस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोई दिक्कत है इसमें? तीसरा पॉइंट, अगर कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड, मतलब रिजिड बॉडी हो, परफेक्टली क्या मतलब, अगर मैं वर्ड यूज करूं बॉडी इज रिजिड, ठीक है, अगर बॉडी रिजिड है तो उसका इलास्टिसिटी कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। अगर रिजिड है तो आप दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच के रिलेटिव सेपरेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। जबकि हम इस चैप्टर में पढ़ के आ रहे थे, हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो एटम्स के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है वो क्या करे, चेंज करे, यही बात कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? तो लिखो जरा, फॉर रिजिड बॉडी तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन जीरो हो गया तो इलास्टिसिटी क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो फॉर रिजिड बॉडी इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, फॉर रिजिड बॉडी इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, ठीक है भाई। अब एक और चीज लिखो, अगला पॉइंट, हैमरिंग एंड रोलिंग, हैमरिंग एंड रोलिंग इंक्रीजेज इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। अब ना आपको हैमरिंग पता है ना रोलिंग पता है, क्या होता है पहले लिखो, हैमरिंग एंड रोलिंग इंक्रीजेज इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। अब बता भाई क्या पता है, हम हैमरिंग थोड़ा मारना है, मतलब थोड़ा मार के सर शेप क्यों? मैंने कहा इंक्रीजेज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है सर, जैसे वो सर मतलब सर फोर्जिंग इन फायर में होता था सर, जैसे गरम करके सर हैमरिंग करते थे तो। सही कह रहा है, अब सही बोल रहा है। आप देखो जैसे जो खेती करते हैं, ठीक है, जब सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद उनके औजार पड़े रह जाते हैं, फिर जो अगला सीजन स्टार्ट होता है तो उन औजारों को लोहार के पास ले जाते हैं और उनको गर्म करके पिटवाते हैं, हाँ या ना? तो गर्म करना बार बार रिपीटेडली दैट इज रोलिंग, और उसको पिटवाना दैट इज व्हाट, हैमरिंग। उससे मटेरियल की क्या हो जाती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इतनी बात। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप किसी सॉलिड को ना आयरन आयरन या किसी चीज को, लड़की सुन सुन, अगर आप रख दो एक 6-7 महीने के लिए, तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मतलब अपने अपने चंक्स बन जाएंगे, ठीक है, इतनी बात। आयरन में ऐसे चंक्स बन जाएंगे और ये ब्रिटल हो जाएगा। अब वो करता क्या है, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, आयरन क्योंकि फेरोमैग्नेटिक होता है तो यहाँ के जो एटम या मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंड हो जाएंगे, मतलब उनकी खुद की प्रॉपर्टी, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा हो जाएंगे, तो एक चंक ये बन गया, एक ये बन गया, ऐसे बहुत सारे चंक बन जाएंगे। अब ऐसे चंक बन जाएंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे हिट करोगे तो ये हिस्सा टूट के क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आप करके देख लेना ऐसा, अगर आप कोई लोहे का सामान मतलब 6 महीने के लिए रख दो तो उसमें जंक जैसा लगना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हल्का सा मारो तो झड़ता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वही कुछ हो रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब खेल क्या है, अगर मैं उसको गर्म कर दूं तो ये चंक्स क्या कर जाते हैं, मेल्ट करके सारे के सारे, मेल्ट नहीं करते प्रॉपरली, मतलब थोड़ा सा क्या कर जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं एक डायरेक्शन में। अब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसकी पिटाई कर देते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो सारे जो भी आसपास में बॉन्डेड थे वो बॉन्डिंग खत्म होकर के यूनिफॉर्म क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, तो इलास्टिसिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए किसी भी औजार को हर 6 महीने हम क्या करते हैं, हैमर या रोल करते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा अगला, एनीलिंग, ए डबल एन, ए डबल एन ई ए एल आई एन जी, बता रहा हूं सब बताऊंगा, परेशान ना हो, नहीं नहीं बेटा, इसी के पॉइंट्स हैं। एनीलिंग, ए डबल एन ई ए एल आई एन जी, एनीलिंग डिक्रीजेस, डिक्रीजेस इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, एनीलिंग डिक्रीजेस इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स इनसाइड द मटेरियल। सेम चीज, अगर आप रख दो किसी सामान को, ठीक है, सॉलिड बॉडी को, तो उसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ज्यादातर ये आयरन में होता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, और हमारे जो औजार होते हैं आयरन के ही होते हैं ज्यादातर, ठीक है, इतनी बात। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स विद इन द बॉडी, ठीक है भाई।
मैं आपको कुछ बता रहा हूँ इलास्टिसिटी के बारे में, कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ और कुछ नहीं है। अगला पॉइंट लिखो, इम्प्योरिटीज समटाइम्स इंक्रीज और समटाइम्स डिक्रीज इलास्टिसिटी। कुछ इम्प्योरिटीज क्या करती हैं, इलास्टिसिटी बढ़ाती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज घटाती हैं। तो हम तो कोशिश ये करते हैं इलास्टिसिटी बढ़े। भाई एक बात बता, अगर मैं क्वार्ट्स बना रहा हूँ तो क्वार्ट्स इज नॉट अ एलिमेंट, क्या है, अलॉय है। तो हमने कुछ चीजें मिला मुला के बनाया था उसे ताकि उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाए, फॉस्फोरस ब्रोंज, ठीक है। या हवाई जहाज किस मटेरियल से बनती है उसकी बॉडी, केमिस्ट्री पढ़ते हो तुम, अलॉय वाला, अलॉय होता है वो, नाम होता है उसका अच्छा सा, एलनिको नहीं होता, डी से होता है कुछ, होता एल्युमिनियम ही मैक्सिमम उसमें, लेकिन नाम डी से होता है उसका कुछ, मैं भी बोल रहा हूँ। एलनिको तो अलग होता है, एलनिको भी अलॉय है, उसकी भी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, लेकिन डी से होता है कुछ, मुझे भी नाम याद नहीं। हाँ ऐसी कुछ, नहीं 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 है वो, लेकिन सही बोल रहा है, डी से होता है, मतलब मुझे भी स्किप कर रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हम कुछ मटेरियल में मतलब कुछ इम्प्योरिटी डालेंगे ताकि इलास्टिसिटी क्या करे, बढ़े, और कुछ ऐसे डालेंगे जिसमें इलास्टिसिटी, हाँ क्या ना, वो देखो गूगल पे सर्च मार रही है, उसने गूगल खोल रखा है, बता 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 बता। हाँ हाँ तो फोन पे सर्च तो मार रही होगी कि क्या है, या तो यही बात सर्च कर लेती है, अब तक नाम याद आ जाता है। अब लिखो जरा, क्या होता है, मिला ही नहीं तुम्हें अभी तक, कोई बात नहीं रहने दे, चलो अब आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो, अरे छोड़ घर पे खोज लियो, ठीक है मुझे क्या पता मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है क्या पता डी से ना होता हो कुछ और होता हो। देख तो गूगल भी हमारे जितना ही अकलमंद है, उसे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, ठीक है। हाँ ड्यूरा ल्यूमिन, हाँ ऐसी कुछ होता है। अब सुनो कोई बात नहीं, अब देखो भाई, अब ये तो हो गया बेसिक थ्योरी, अब हम क्वेश्चन कर लें कुछ, ठीक है। सबसे पहले देखो, बातें नहीं बेटा, मेरे पास ये रॉड है, हाँ अब क्वेश्चन ही करेंगे कुछ, रॉड इसका लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y, अगर मैं इसको F फोर्स से खींचता हूं, ठीक है इतनी बात, और ये दीवार पे बंधा हुआ था इधर, तो डिफॉर्मिंग फोर्स कितना हो गया, F हो गया, मुझे मतलब इंक्रीज इन लेंथ बताना है, तो सिंपल है कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सबको पता चल रहा है सिंपल है। चलो अगला देखते हैं भाई, क्लियर कोई दिक्कत नहीं तो आसान सा है। अगला देखो, अब हम अभी भी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, बातें नहीं, ये रॉड है, एल लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई, छत से लटका दी, इसका मास कैपिटल एम, नेग्लिजिबल मास, कैसा मास, नेग्लिजिबल। मैंने क्यों कहा, मान लो ये 2 किलो का है और ये तार 2 ग्राम की है, हाँ या ना, तो ये क्या हो गया, इसका फोर्स 20 न्यूटन हो गया और इसका कितना, 2 ग्राम, 2×10^-3 इंटू जी, यानी कि 2×10^-2 छोटा हो गया, ठीक है। या इसको मैं 20 किलो कर देता हूँ, इसको 2 ग्राम कर देता हूँ और छोटा हो गया, ठीक है इतनी बात। तो इसलिए मैंने क्या कह दिया, नेग्लिजिबल मास। अब इसमें मुझे एक्सटेंशन चाहिए, क्या चाहिए, एक्सटेंशन, नेग्लिजिबल मास है तो टेंशन इसमें थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा, हाँ या ना, और टेंशन होगा कितना, एम जी के बराबर। तो स्ट्रेस इज वॉट एम जी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन वाई ए, मानते हो या नहीं मानते हो। अगला देखते हैं अभी सीन,
अभी बताऊंगा, हाँ बिल्कुल होती है, उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अभी निकालेंगे, वो तो टॉपिक ही है, पहले लेंथ तो निकालना है कितनी बढ़ रही है। हो गया, अब आगे देखो, आगे क्या कहानी। हमारे पास ये रॉड है बेटा, छत से लटका दी हमने। रॉड की लेंथ कितनी, L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y, ठीक है, और रॉड का मास है M, यूनिफॉर्म रॉड है। कैसी रॉड है, यूनिफॉर्म, ठीक है। अब मुझे बताना है एक्सटेंशन इन द रॉड ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, अपने वजन की वजह से तो बड़ी होगी, हाँ या ना भैया, इसका भी तो एमजी नीचे लग रहा होगा, तो खुद भी तो खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो लिखो एक्सटेंशन ऑफ रॉड ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, ठीक है। अभी तक तो हमने किसकी वजह से लिया था, एक्सटर्नल की वजह से, एक्सटेंशन ऑफ रॉड ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान सुनना भाई। सबसे पहले आप एक चीज देखो, जब हमने न्यूटन्स लॉ में एक मास वाली रॉड ऐसे लटकाई थी तो टेंशन हर जगह पे अलग अलग था, याद है कि नहीं है, यानी कि हर क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग स्ट्रेस है, हर क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग स्ट्रेस है, क्योंकि टेंशन ही अलग अलग है, टी अपॉन ए क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो जरा देखते हैं एक मिनट, मैंने क्या करा, मान लो नीचे से x दूरी पर, यहां पर मैं टेंशन जानना चाहता हूं, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसी के वजन की वजह से आएगा, कितना है नीचे वाला हिस्सा, नीचे mg, mg नहीं, कितना, m by l into x into g, और ऊपर यहां पर क्या, t, अरे यस ओ नो, हाँ या ना, तो t कितना हो गया यहां पर, ये आ गया कि नहीं आ गया, मतलब अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखूं तो यहां पर टेंशन कितना, जीरो, मिड पे देखूं mg by 2, टॉप पे देखूं तो कितना, mg, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं टेंशन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब हर क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, मतलब अलग अलग स्ट्रेस भी होगा। तो इस जगह पर अगर मैं स्ट्रेस देखता हूं, चलो अलग डायग्राम बना लेते हैं, इस पोर्शन पे टी ऊपर, तो इस वाले पोर्शन पे टी कैसा, नीचे, यस ओ नो, तो इस पे ये डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया टी, हाँ या ना। अब इसकी वैल्यू कितनी है, एम जी एक्स अपॉन एल है, ठीक है, इतनी बात। तो यहां पर जो स्ट्रेस आएगा कितना आएगा, टी अपॉन ए, ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे यस ओ नो, सॉरी कोई बात नहीं, लिख देते, हो गया। अब ये हमारा क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया। अब आप एक चीज देखो, मान लेते हैं कि इस छोटे से, और ये लेंथ कितनी, L माइनस x है, ऊपर वाली बची हुई, इस छोटे से dx के लिए टेंशन क्या रहता है, नियरली सेम, हालांकि टेंशन बदलेगा ऊपर जाकर के, लेकिन हल्के से छोटे से dx, क्योंकि ये जो t है ये इसी x पे लग रहा है, अगले x पे क्या लगेगा, अलग लगेगा। तो मैंने इस, ये हमारी क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ, जिसके ऊपर स्ट्रेस कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, क्योंकि अगर आप किसी और जगह पर देखोगे तो स्ट्रेस की वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी। आप x, x की वैल्यू l by 4 रखो, अलग आएगा, l by 3 रखो, अलग आएगा। तो इस छोटे से dx के लिए स्ट्रेस इतना लग रहा है। अब इस dx में इस स्ट्रेस की वजह से मान लो चेंज इन लेंथ कितना आ गया, कितना आ गया, dz आ गया, मैंने मान लिया सी, कुछ तो आएगा, अरे स्ट्रेस की वजह से चेंज इन लेंथ तो आएगा, उसको कितना मान लिया मैंने, dz, ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि अभी तक हर जगह क्या था, यूनिफॉर्म स्ट्रेस था, अब स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं है, तो इस पर्टिकुलर dx के लिए स्ट्रेस इतना है, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन कितना है, dz, मैंने ये वाला dz निकाल लिया मान लो। फिर अगले छोटे से dx के लिए डिफॉर्मेशन dz आया, फिर अगले dx के लिए dz डबल डैश आया, उन सारे dz को क्या करूंगा, सम करूंगा, हाँ या ना,
तब मुझे क्या मिलेगा, टोटल एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे भाई ये तो इस छोटे से डीएक्स का क्या आया, एक्सटेंशन। ऐसे डीएक्स इसमें बहुत सारे हैं या नहीं है? और क्योंकि डीएक्स बहुत छोटा है तो मेरा स्ट्रेस इस छोटे से डीएक्स के लिए नियरली क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अरे वर्क डन में भी तो ये कर दो एफ डॉट डीएक्स, अगर फोर्स वेरिएबल है तो भी तो आप क्या करते हो एफ डॉट डीएस करते हो कि नहीं करते हो निकम्मो? तो आप ये मानते हो ना उस डीएस के लिए फोर्स क्या था, फिक्स था, हाँ या ना? तो वही बात मैं कह रहा हूं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, देखो जरा, एफ इज इक्वल टू वाई इंटू ई। तो एफ एफ कितना, एम जी एक्स अपॉन ए एल वाई डी जेड अपॉन डी एक्स। तो डी जेड कितना आया अपने पास, डी जेड आ गया ये आया कि नहीं आया? Yes, अब भाई इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो इस डीएक्स के लिए आया, अगले डीएक्स के लिए अलग आएगा, अगले डीएक्स के लिए अलग आएगा, सबका क्या सम। तो इंटीग्रेट कर दो भाई जीरो से एल तक। तो जेड कितना आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? Yes, हाँ क्या? Yes, sir. क्या बता 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 बता, हाँ एक बात बता, इस जगह पे टी आ रहा था ना, मैंने कहा इस छोटे से डीएक्स के लिए टेंशन सेम रहा, ठीक है, इस छोटे से डीएक्स के लिए टेंशन सेम रहा। यहां पर मैंने कोई डीएक्स पकड़ा उसके लिए टेंशन टी डैश आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो ये डीएक्स ही क्या है, वो ओरिजिन, मतलब डीएक्स डीएक्स क्या है, सारे डीएक्स का सम करूं तो ओरिजिनल लेंथ आता है कि नहीं आता, पहले बता दे, आता है ना? तो ये डीएक्स इस पूरी लेंथ का छोटा सा ओरिजिनल लेंथ है। इस डीएक्स में चेंज आया कितना, डीजेड। ऐसे यहां वाले डीएक्स में आया डीजेड डैश, ठीक है इतनी बात। तो सारे डीजेड डैश ऐड करूंगा तभी मुझे टोटल चेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बात खत्म। अब ये कहानी आ गई भाई, तो खुद के वजन की वजह से कितना एक्सटेंशन होता है, MGL by 2AY, और एक्सटर्नल लोड की वजह से कितना होता था, MGL upon AY। अरे पिछला भी करा हमने, याद करो, हाँ या ना? हो गया भाई, बढ़े आगे। अब दोनों चीजें ला देते हैं एक साथ, ये मास ऑफ रॉड एम आर, मास ऑफ बॉडी एम बी। अब एक्सटेंशन बताना है मुझे, तो दोनों की वजह से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो टोटल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, Z is Z due to self weight plus Z due to load, और यही होगा कि नहीं होगा? तो Z is equal to self वाला कितना, MR G L upon 2AY plus M B G upon AY, yes or no? अरे भाई यही आएगा कि नहीं आएगा? चलो अब आगे बात करते हैं। हाँ बोल बोल, कुछ बोलना चाहती है बता फटाफट। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, एल तो हो गई, भूल गया ठीक, हो गया भाई, क्लियर है? yes, और आप अगर आप इसे प्रॉपरली भी करोगे तो भी यही आएगा। आप यहाँ पर टी निकालो, यहाँ पे जो टी आएगा वो एम बी जी प्लस एम आर एक्स G अपॉन L आएगा। yes, तो ये तो MBG आएगा, तो उसका इंटीग्रेशन में L ही आ जाएगा DX को जब इंटीग्रेट करोगे, तो ये तो यही आने वाला है। और इसमें क्या आ जाएगा, L square by 2 आएगा, नीचे वाले L से कट करके ये बनेगा कि नहीं बनेगा? yes, तो सेम रिजल्ट बनना है कि नहीं बनना है? ठीक yes, है, तो चाहे प्रॉपरली करो चाहे अलग अलग करके देख लो तब भी सेम रिजल्ट आ रहा है। अरे क्लियर है? yes, sir. अब लिखे भाई आगे, yes, sir. लिखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा देखो भाई,
ऐसा कुछ है, ये अपनी नेचुरल लेंथ में है भाई। कैसा है? नेचुरल लेंथ। आपने पढ़ा हुआ जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होता है, ठीक है, इतनी बात, तो क्या कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, उसको हम जीरो मान लेते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? तो सेम यहाँ पर भी है कि नेचुरल लेंथ में तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी? मिनिमम होगी। दैट वुड बी अज्यूम्ड एज व्हाट? जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा और बात बता देता हूं। अगर हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के सपोज ये हमारा x इक्वल टू जीरो है, नेचुरल लेंथ, ध्यान सुनना, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम इसको इतना खींच के ले गए बाहर की तरफ f, और अंदर की तरफ क्या डेवलप हो जाएगा? f रिस्टोरिंग। यस सर। अबे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? yes, और खींच के कितना गया आगे? x गया, ठीक है, मतलब इंक्रीज इन लेंथ इज व्हाट? x, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, देखो ये वाला, ध्यान सुनना, तो f को मैं लिख सकता हूं f अपॉन a इज इक्वल टू y x अपॉन l। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं और मैं इस f को f रिस्टोरिंग लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भाई? yes, हाँ या ना? ध्यान से देखना क्या मजेदार बात आ रही है। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि एक्स के डायरेक्शन के अपोजिट है। अगर मैं दबाऊंगा तो भी अपोजिट लगेगा, बाहर की तरफ लग जाएगा, हाँ या ना? मैंने माइनस, ऐसा कुछ स्प्रिंग में भी होता था। ये ड्रामा आगे क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। तो इसको अगर मैं स्प्रिंग जैसा खेल दिखाऊं, दिस इज इलास्टिसिटी कोफिशियंट, और एक और बात, मैं उस समय ही बोला करता था कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। मैंने कई बार बोली थी ये बात, दिख रही है, देखो जरा, के किसके बराबर आ गया? निकम्मू, के किसके बराबर आ गया? y a अपॉन l। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है एक तो मटेरियल के नेचर पे, स्प्रिंग के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लेंथ। अगर लेंथ, तो भैया जब मैंने ये बताया था कि इनवर्सली, हाँ मैंने कहा था अभी नहीं करेंगे, बाद में अपने आप आ जाएगा, ठीक है भाई। देख, एक ही दिन में सारी फिजिक्स खत्म हो जाए तो फिर तो अलग बात है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। जब जहां आएगा वहीं बताऊंगा ना। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? लेंथ के। अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और उसको मैं दो बराबर हिस्सों में तोड़ देता हूं, मतलब लेंथ क्या हो गई? L/2 L/2 हो गई। तो अब आधे जो नया हिस्सा आया एक, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि L बाई टू आ जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा, क्योंकि एरिया, और मैं एरिया, मैंने स्प्रिंग को अगर ऐसे काटा तो मैंने एरिया बदल दिया क्रॉस सेक्शन का। फिर इसमें आया, अच्छा टीएससी में आया था, ठीक है। अब हो गया भाई, राइट साइड वाले को रिपीट कर दो। बालक ये एफ यहां तक क्लियर है? बता जरा फटाफट, जल्दी बोल, यहां तक क्लियर है तो यस लिख दे एक बार फटाफट, ठीक है। और मैंने एक चीज और पढ़ाई हुई है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है रिस्टोरिंग के बराबर होता है, ये भी लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? जल्दी बता भाई, अरे क्लियर है? तो मैंने एफ की जगह एफ आर लिख दिया, बस माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि एफ आर की डायरेक्शन एक्स के क्या रहेगी? हमेशा अपोजिट रहेगी। अरे क्लियर है भाई? yes, sir. तो फिर अब ये सारा नाटक तो कांस्टेंट है किसी भी रॉड के लिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रॉड का फिक्स ही होता है, लेंथ भी उसकी ओरिजिनल वाली तो फिक्स ही थी, तो इसको मैंने कांस्टेंट नाम दे दिया, क्या? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। अब अगर मैं उसको स्प्रिंग से कंपेयर करूं तो ये और ये स्प्रिंग जैसा ही नेचर आ रहा है कि नहीं आ रहा सारा का सारा, हाँ या ना? तो मैंने कहा स्प्रिंग कांस्टेंट किसी भी स्प्रिंग का क्या हो सकता है? y a अपॉन l। तो ऐसा कुछ अपीयर कर रहा है कि लेंथ के क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक मजेदार बात देखो, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसके अगेंस्ट में ही तो आप वर्क कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे आप जबरदस्ती डिफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता तो एनर्जी स्टोर होती कि नहीं होती इसके अंदर?
अब ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, देखो दिमाग सही चल रहा है भाई, 1D फोर्स है, अलोंग द लेंथ है, तो 1D फोर्स है तो कैसा है? कंजर्वेटिव है। तो यानी कि अगर हम इस रॉड को डिफॉर्म कर रहे हैं तो हम एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट दैट कंजर्वेटिव फोर्स विल बी स्टोर्ड एज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब लिखो जरा, पहले इतना नोट कर लिया सबने? लिखो। हाँ, डाउट क्या है जल्दी बता भाई। अरे जो भी डाउट है लिख दो, लिखते हैं नहीं, बस डाउट है। अबे मुझे क्या पता, अंतर्यामी थोड़ी हूं मैं, अभी इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में जेड किसकी एक्सटेंशन थी? जेड टोटल एक्सटेंशन थी लास्ट क्वेश्चन में, अब तो पिछले सवाल पे घूम रहा है अभी तक। उसमें था जेड ऑफ सेल्फ प्लस जेड ऑफ लोड, दोनों ऐड किए थे मैंने, ठीक है, टोटल एक्सटेंशन था। अब लिखो जरा यहां पर, क्या कह रहा था मैं, हाँ लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। Restoring force developed is conservative in nature. Therefore, work done against restoring force. इसी वजह से तो वापस आता है भाई। एक बात बताओ, अगर potential energy conservative force ना होता तो ये वापस थोड़ी आता अपने shape को regain करने के लिए। हाँ या ना? Yes. अगर जो मटेरियल इलास्टिक है इसका मतलब उसके रिस्टोरिंग फोर्स 100% क्या कंजर्वेटिव है। Yes, और जो मटेरियल प्लास्टिक है, मतलब पर प्लास्टिक मतलब कतई रीगेन नहीं करता, उस मटेरियल के सारे रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है इतनी बात? Yes, तो अब क्या कहानी है भाई, क्या कह रहा था मैं? देयरफॉर वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is stored as elastic potential energy ठीक है, हो गया इतना। अब कर लेते हैं भाई, तो du is equal to minus dwf restoring। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो निकम्मा? ठीक है, मान लो किसी मोमेंट पे ये y खिंचा हुआ था, अरे कितना के टोटल x खींच दिया किसी मोमेंट पे y, फोर्स क्या हो जाएगा उस वक्त जब y खिंचा हुआ है? y एक्सटेंशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? अच्छा y नहीं कह सकते ना, y नहीं कह सकते, रुक जा। तो इतना होगा कि नहीं होगा? Yes, हमने फर्दर कितना एक्सटेंड करा? dz। ठीक है इतनी बात। तो अब जरा देखो, du इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल होगा इनके बीच में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इंटीग्रेशन z इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो मान रखी हमने। अगर वो दे देता आपको इनिशियल कुछ, तो वो वाली लेनी पड़ेगी भाई। अरे निकम्मो, अगर वो कहता नेचुरल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल थी, अब वो किस वजह से थी ये नहीं पता। ठीक है इतनी बात? अरे क्लियर है? ठीक है, और x पे कितना? u। तो u कितना आ गया बेटा आपके पास? u इज इक्वल टू y a x स्क्वायर अपॉन 2L। आ गया कि नहीं आ गया? इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सबका सम। फेस चेंज के दौरान इंटरनल एनर्जी चेंज क्यों नहीं करती है या करती है? मेरा सवाल है, ड्यूरिंग फेज चेंज सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, पहले मुझे पूरी बात तो करने दे, पहले कूद गया। ठीक है, मैं कह रहा हूं क्या इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज करती है? नहीं करती है। मतलब अगर मैं कहूं आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है?
हाँ होती है भाई, होनी नीचे होती है तो क्यों होती है, यहीं से उठेगा वो भी। कैसे नेगेटिव आना चाहिए तू बता दे, गला दबा दूंगा बता रहा हूँ। अब क्या कहानी भाई, ठीक है होती है इंटरनल एनर्जी। और ये तो तुम पढ़ चुके हो तो गलत कैसे बोल रहे हो तुम लोग। हाँ क्यों नहीं पढ़ा, बट थप्पड़ मारूंगा। फेस चेंज पढ़ा है तुमने, पढ़ा है ना फेस ट्रांसफॉर्मेशन भाई। इन्हीं सब चीजों को तो वहां ले जाऊंगा मैं, और कहां ले जाऊंगा। ये किस लिए पढ़ा रहा हूँ, सॉलिड से लिक्विड तो कुछ ना कुछ तो खेल होगा इस एनर्जी का। अब तुमने कहा इंटरनल एनर्जी सारी एनर्जीज का सम होता है संसार में, जो भी एनर्जी हो सिस्टम की, हाँ या ना। ये भी तो रही होगी उसमें, ये कहाँ गायब हो गई। तुम टेम्परेचर गा रहे हो सिर्फ, कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करती। बेवकूफों वो सिर्फ बात होती है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस में टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, फिक्स। आइडियल गैस वर्ड यूज करो तब, ठीक है। अगर मैं बॉडी कह रहा हूँ, मटीरियल कह रहा हूँ, तब तो इंटरनल एनर्जी बहुत सारा खेल है। आइडियल गैस में बाकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, जीरो, ठीक है। तो जो भी एनर्जी होती है वो उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है। अबे जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ही नहीं है, मैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, तो ये जब मुझसे दूर जाएगा तो कोई वर्क थोड़ी करेगा, या पास आएगा तो भी कोई वर्क नहीं करेगा, अगर हम दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। इतनी बात, चलो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिख लेते हैं, मिटा दूं ये सब, मिटा देते हैं ना। अब जरा देखो भाई, यू आ गया हमारे पास वाई ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू एल। मैंने क्या करा, ऊपर एल से मल्टीप्लाई करा, नीचे एल से मल्टीप्लाई करा, तो मैंने इसको लिख दिया यू इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए इंटू एल। ऐसा लिख सकता हूं, ए इंटू एल इज व्हाट, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द रॉड, हाँ या ना। एक्स बाय एल इज व्हाट, ई। एक्स बाय एल इज व्हाट, ई। तो क्या हो गया, यू इज इक्वल टू एल, वॉल्यूम है पता है आपको। अब एक मिनट सुनो निकम्मो, अच्छा सॉरी टू गायब कर दी, गलती हो गई भाई, रुक जा, ठीक है। अब एक चीज देखें, ये भी तो होता था, इसको कहां भूल गए, एफ इज इक्वल टू वाई इंटू ई। तो यू इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू ई इंटू ए एल, यानी कि हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम इज व्हाट। मैं कुछ ना कुछ लिखता हूं, देख बोर्ड पे ध्यान कम रहता है लड़की का, कोई बात नहीं लिख ले। हो गया भाई, अब जितना कम बोलोगे उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बिल्कुल कम बोला करो, तुमने मुझे देखा ही नहीं हो कभी बोलते फालतू बाहर, मैं अपने मोबाइल में चालू हो जाता हूँ, ठीक है। मतलब कम बोलो ज्यादा सुखी रहोगे। अब देखो भाई, हाँ या तो फिर भगवान की देन हो कुछ, वो होती नहीं नॉर्मली। तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम इज व्हाट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। अब एक और मजेदार, मतलब अगर मैं इसे कंप्रेस करता तो भी ऐसे ही आता, सेम ही तो आता, और क्या उल्ट, बस फोर्स बाहर हो जाता और dz अंदर हो जाता, और कुछ नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, अब एक और चीज, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया था, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इतनी बात, तो क्या हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को, डेंसिटी को हम छोटे u से डिनोट करते हैं, एंड इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अरे यू बाई वी आ गया कि नहीं आ गया, अरे भाई ये यू और ये क्या वी, ठीक है। इतनी बात नोट करो इस बकवास को,
अब एक गलतफहमी और दूर करते हैं तुम्हारी, हो गया भाई? इसका बहुत ही बढ़िया फिजिकल सिग्निफिकेंस है। एक बात बता, अगर यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ध्यान सुनना उसको, बोल जा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? यहां पर तूने एक क्यू नॉट रखा प्लस क्यू नॉट, तो ये अपने आप भागने लगता है कि नहीं भागने लगता है? हाँ या ना? मतलब इस छोटे से स्पेस में जहां इसको रखा, यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी जो किसमें कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है? इतनी बात, ये सिग्निफिकेंस है। तो स्पेस में हर जगह कुछ ना कुछ एनर्जी डेंसिटी होती है। अब अगर मैं यहां पर कहूँ छोटा सा मैंने वॉल्यूम डीवी पकड़ा, तो यहां पर ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी। उस डीवी में, उस छोटे से हिस्से में कोई भी मास आएगा तो उस पर क्या जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। वो कहां से आई? काइनेटिक एनर्जी जब भी आएगी दैट वुड बी एट द एक्सपेंस ऑफ सम एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? अभी इस पे तो सारे सवाल आएंगे, क्यों परेशान है उसके लिए। अब देखो भाई, अब एक गलतफहमी और दूर करते हैं। आपके पास, आपको ना 9-10 तक आपने पढ़ा होता है, एक चैप्टर होता था मैथ्स में मेंसुरेशन करके, एरिया वॉल्यूम में खेलते थे ना, ठीक है? उसमें आपने पढ़ा कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है, हाँ या ना? इसकी लेंथ एल, रेडियस आर, ठीक है? इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है? इतनी बात, अगर आप इस रॉड को स्ट्रेच कर दो, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दो, सेम इसका, ये एल डैश, ये आर डैश, तो इसका वॉल्यूम वी डैश पाई आर डैश स्क्वायर इनटू एल डैश, आप दोनों बराबर होते हैं, ऐसा पढ़ा है हमने, यही यूज करते थे शायद, बिल्कुल गलत है भाई साहब, ठीक है? चलो देखते हैं, लिखो जरा पोइशंस रेशो, पोइशंस रेशो, कुछ भी बोल लो यार। अब पोइशंस रेशो क्या कहता है? अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाते हैं, तो एक बात बताओ यार, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जब आप लगाओगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा? जब भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, हाँ या ना? हम उसको अभी तक इग्नोर करते थे, अब इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है? तो चलो अब देखते हैं जरा, एक मिनट। तो लिखो, अलोंग विथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देयर ऑलवेज अपीयर्स लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज आया, रेडियस में चेंज आया, क्लियर है? अपीयर्स लेटरल स्ट्रेन, ठीक है? अब पॉइशंस रेशो को डिनोट हम सिग्मा से करते हैं, एंड इट इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वही करने जा रहा हूँ, परेशान वही करने जा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई भी चीज हवा में नहीं बोलूंगा, चिंता ना कर, ठीक है? अब ये आ गया, ये क्या हो गया? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, क्या हो गया? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है? ये तो क्लियर है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, ठीक है? अब जरा देखते हैं भाई, मान लो हमारे पास एक रॉड है, इसकी लेंथ कितनी, ओरिजिनल लेंथ कितनी एल, और इसका रेडियस कितना आर, ऐसा कुछ था, ठीक है? इतनी बात। अब इसको मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया थोड़ा सा, अब लेंथ कितनी हो गई एल डैश, और रेडियस कितना आर डैश, ठीक है? इतनी बात। अब जरा देखो, लेटरल स्ट्रेन, एक बात बताओ यार, अगर लेंथ बढ़ता है तो रेडियस घटता है? लेंथ घटता है तो रेडियस बढ़ता है, मतलब दोनों अपोजिंग है,
हाँ या ना? तो लेटरल स्ट्रेन इज डेल्टा आर अपॉन आर, हाँ या ना? अरे चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, यहां डाल दें तो सिग्मा कम्स आउट टू बी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल. बस इसके सामने माइनस साइन लगा दूंगा. क्यों लगा दूंगा? अपोजिंग नेचर है, लेंथ बढ़ता है तो रेडियस घटता है, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा. अरे क्लियर है? ठीक है, इतनी बात हो गई. ठीक है, अब आप एक काम करो, बढ़ जाऊं आगे. बहुत इंपॉर्टेंट सा पैरामीटर है ज्योमेट्री के लिए. ठीक है, इतनी बात, जो कि हम 10th तक बिल्कुल ही साइड में रख के चलते थे. अब देखो एक मिनट, और ये मेडिकल में आया हुआ सवाल है भी 2 साल पहले, 2018 में, कि पॉइसन्स रेशो की इतनी वैल्यू है, मतलब पॉइसन्स रेशो की किस वैल्यू के लिए बॉडी का वॉल्यूम चेंज नहीं करता, चाहे हम उसको कितना भी शेप में चेंज कर लें, साइज में चेंज कर लें, कुछ भी कर लें. ठीक है, इतनी बात, बाकी सारी वैल्यूज के लिए वॉल्यूम चेंज करता है. अभी देखो, ये सुना है सर, मत सुन रहे हैं दे. देखो हाँ सही कह रहा है. क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, फिर से बोल. सही कह रहा है, ये एल ये आर. ठीक है, इतनी बात, ये हमारे पास क्या एक सिलेंडर है मान लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना बेटा, वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात, मुझे क्या बताना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या, पॉइसन्स रेशो, डी वी इज इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, जीरो रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो. ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा कि सिग्मा के किस वैल्यू के लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, जीरो. ठीक है, एक काम करते हैं बेटा, मैंने इसको लॉग ले लिया, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग पाई प्लस टू लॉग आर प्लस लॉग एल. ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? yes, बेटा एक बात होता, अगर मैं लेंथ बदलूंगा तो रेडियस भी बदलेगा, yes, रेडियस बदलूंगा तो भी लेंथ बदलेगा, yes, हाँ या ना? स्ट्रेच और कंप्रेस ही तो कर सकता हूं, और तो कुछ नहीं. तो मैंने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, वन अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू पाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लॉग पाई का जीरो, टू अपॉन आर डी आर प्लस वन अपॉन एल डी एल, हाँ या ना? यही आएगा कि नहीं आएगा? डेरिवेटिव ले लिया, लॉग का क्या होता है वन अप, ठीक है, और ऊपर जो चेंज हो रहा है वाली क्वांटिटी. अब डी वी किसके बराबर रखना है, जीरो के, वही तो वैल्यू निकालनी है. तो मैंने क्या करा, डीवी को क्या डाल दिया, जीरो डाल दिया. देखो जरा, हाँ या ना? अगर सिग्मा की वैल्यू 1/2 के अलावा कुछ भी होगी तो वॉल्यूम में चेंज जीरो नहीं होगा. तो अगर कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, उसका सिग्मा हाफ होने पे ही उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, चाहे आप उसको कितना भी तोड़ लो फोड़ लो, कुछ भी तोड़ नहीं, मतलब उसको कितना भी स्ट्रेच कर लो या दबा लो, कुछ भी. ठीक है, इतनी बात क्लियर है, नोट करो. हाँ बोल, बकना चाहता तो बक, कुछ सब कुछ गलत ही पड़ता है बेटा. सिग्मा की वैल्यू थियोरेटिकली तो -1/2 से, मतलब हम तब माइनस साइन नहीं लेते हैं, -1/2 से 1.5 तक पाई गई है. ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस में 0 से 0.5 तक ही रहती है. ठीक है, अब लिखो जरा, जितनी ज्यादा सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही कम वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा, और जब 0.5 हो जाएगी तो चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, नोट करो इस बकवास को. कर लिया? हाँ, लॉग वी वाली इक्वेशन क्लियर नहीं है लड़की, मेडिकल या नॉन मेडिकल, जल्दी बोल. हाँ पूछ लेते हैं एक बार.
जल्दी बोल, महक नॉन मेडिकल, महक कान्याल, ठीक है लड़की, फिर तो पता होना चाहिए। भाई लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग, मैंने लॉग ले लिया था ना, अच्छा मैंने एक स्टेप कम कर दिया ना, करके दिखा देता हूं। मैंने इसका लॉग लिया, मैंने लिखा इसे लॉग v इज इक्वल टू लॉग, दोनों साइड लॉग लिया, पाई आर स्क्वायर एल। अब बता मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बता मुझे लड़की, जल्दी बता। हाँ तो फिर ऐसे लिख दिया, अब आगे कोई समस्या बता। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ले लिया, क्लियर। अब देखो सर, अब देखो एक मिनट, किसी के लिए मैंने तो एक जनरल एग्जांपल लिया तुझे, अब अगर मैं कोई टेढ़ा मेढ़ा शेप लेता मैं वी कैसे लिखता तू बता दे मुझे, ठीक है मुझे वी का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, नहीं तो फिर कहानी खराब। हाँ बता क्या दिक्कत है, बोल बोल दे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बेइज्जती होती है। हाँ रिया, फिजिक्स में नेचुरल लॉग के अलावा हम कोई लॉग नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स में हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग पढ़ते हैं। हाँ तेजस तेरी क्या समस्या है? क्या बुकलेट, अबे मैं क्लास में हूँ अभी, बुकलेट की दिक्कत बाद में पता करियो, कल आके डाउट ले लियो, क्यों परेशान है, ठीक है कल या परसों। किसमें, चैप्टर बता, रोटेशन में तो सब होना चाहिए यार, तो डाउट ले आई हो चुपचाप से, ठीक है ठीक। अब देखो भाई सर, एक बार क्यों या क्यों वर्ड का नहीं निकाल दिया, भाई उसके लिए भी हो जाएगा, क्यों परेशान है, रुक जाए एक मिनट। अब लिखो जरा, एक और क्वेश्चन करो, अगली कहानी। भाई क्यूब के लिए भी जब देखेगा ना, तो एक क्रॉस सेक्शन, एक लेंथ पड़ेगी और एक साइड में क्या पड़ेगा, एरिया, ठीक है तो अपने आप ही वही डेरिवेटिव आएगा, क्यों परेशान है उसके लिए, वही एक साइड में एरिया कम होगा और एक साइड में लेंथ पड़ेगी तो अपने आप हाफ आ जाएगा, क्यों परेशान है उसके लिए। एरिया है तो उसकी पावर क्या, टू है, ठीक है इतनी बात, और लेंथ है तो उसकी पावर क्या, वन है, ऐसे सोचो ना यार जब वॉल्यूम की बात हो रही है। अब लिखो जरा एक और क्वेश्चन, अपने पास ये स्मूथ ग्राउंड है, स्मूथ ग्राउंड बेटा, ठीक है, और ये हमारे पास एक रॉड है, एल लेंथ, एरिया ए, यंग्स मॉडुलस वाई, स्मूथ ग्राउंड पे, ठीक है इतनी बात। अब हमने क्या करा, इस पे ऐसे करके एफ फोर्स लगा दिया इस एंड पे, आपको एक्सटेंशन इन द रॉड बता रहे हैं, एक्सटेंशन इन द रॉड। अब अगेन कहानी क्या है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग टी, हाँ या ना, क्योंकि चल रहा है तो चलो पहले तो एक्सेलरेशन देख लो इसका, हाँ या ना। अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे टेंशन देखूं, यहां पर एक्स दूरी पे, तो पीछे वाले हिस्से को कौन चला रहा है, टी चला रहा है, तो पीछे वाले हिस्से को टी चला रहा है, तो टी इज इक्वल टू m upon l into l minus x into acceleration f upon m. Yes, तो निकम्मो t आ गया f 1 minus x upon l, हाँ या ना, ठीक है वही क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो रहा है। अब यहां पर मैंने छोटा सा क्या पकड़ा, dx, ये ओरिजिनल लेंथ हो गई कि नहीं हो गई, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कितना, dz, अरे ये सुनो, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टी अपॉन ए, ये आगे कि नहीं आ गया, तो डीजेड क्या, इस डीएक्स में चेंज, फिर अगले डीएक्स में चेंज, क्योंकि स्ट्रेस अलग अलग जगह पर अलग अलग आएगा, अरे टी बदल रहा है, वही कहानी आ गई, सेल्फ वेट वाला था सेम क्वेश्चन, तो वैल्यू डाल दो भाई, कितना आ गया, एफ अपॉन ए 1 माइनस एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स
और यहाँ y इज इक्वल टू डी जेड, इंटीग्रेट कर दूं जीरो सेल, यस सर कर दूं भाई, तो देखो जरा कितना आ गया। आ गया, आ गया भाई, यस सर मैंने इंटीग्रेट खुद कर लिया, ठीक है। और देख लें कहा क्वेश्चन, फिर आगे बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अभी तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है गधो, एक बार वर्टिकल था सेल्फ वेट, इसमें ऐसे कर दिया हमने, और कुछ थोड़ी करा है। अब लिखो जरा, मेटल वायर ऑफ लेंथ एल is suspended vertically ठीक है, एक मेटल वायर है लेंथ एल की सस्पेंडेड वर्टिकली, बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम अटैच्ड एट इट्स लोअर एंड, बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम इज अटैच्ड एट इट्स लोअर एंड, ठीक है बॉडी अटैच करिए जिसका मास क्या कैपिटल एम है, आप लिखो मास ऑफ वायर नेग्लिजिबल। अब इस बॉडी के अटैच होने की वजह से रॉड में कुछ क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा लेंथ में, तो लिखो जरा इलोंगेशन इज जेड नॉट, कितना इलोंगेशन आ गया जेड नॉट आ गया। अब पहला ऑप्शन नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलोंगेशन, हाँ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलोंगेशन, गर्म हो जाती है, हाँ या ना। आप एक काम करना, आज कोई तुम कुछ करा नहीं तुम लोगों ने, एल्युमिनियम की वायर लेना और उसको ऐसे ऐसे मोड़ते रहना, फिर छूना जहां पर आप मोड़ रहे थे, गर्म सा हो जाता है ना, कुछ कुछ फ्लूइडिक सेक्शन हो जाता है। उससे भी अच्छा मैं बताऊं, अगर आपको सही मायने में देखना हो ना इलास्टिसिटी, तो कालरा के सामने ना वो जलेबी वाला होता है, उसके चाशनी को देखना जरा, ठीक है, जब वो चाशनी में डुबोता है फिर उठाता है तो वो जो तार बनता है वो इलास्टिसिटी का खेल सबसे बढ़िया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी कल पढ़ेंगे उस चीज को, भी परेशान ना हो। हाँ ऐसे भी करेगा ना, तो ऊपर थोड़ी सी मोटी रहती है तार, यहाँ मोटी रहती है, बीच में बहुत पतली हो जाती है, बॉटल नेक बनता है कुछ, वो सब इलास्टिसिटी की वजह से होता है, परेशान ना हो, ठीक है। चलो बताओ भाई हीट प्रोड्यूस, पहले तो इस क्वेश्चन को बताओ, एक्चुअल में जब बहुत गर्म होने लग, मतलब जब बहुत आप गर्म कर देते हो तो लास्ट में फ्लूइडिक नेचर आ जाता है, टूटने से पहले वो सॉलिड लगभग फ्लूइड जैसा बिहेवियर शो करता है। तो आप चाशनी को भी देखो, आप ऐसे करते हो तार सी दिखती है, लास्ट में बीच में इतना पतला हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि अभी गायब होने वाला, और टूट जाता है बाद में ऐसे खींचने, वो अगर आप एल्युमिनियम की वायर को भी ना ऐसे ऐसे मोड़ते रहो लास्ट में जहां पर से टूटने वाला है वहां पर बिल्कुल ही पतला हो जाता है शुरू में, और ऐसा अपीयर करता है फ्लूइड, मतलब मेल्ट सा कर गया, लेकिन मेल्ट नहीं करता, लेकिन मेल्टिंग जैसी, तो उसे हम कहते हैं कि फ्लूइडिक अपीयरेंस ही आ रही है। चलो भाई जल्दी बताओ इसका नाटक, देखना एक कह रहा टाइम हो गया, इसका बहुत बुरा समय चल रहा है, इसका मतलब अब देखो मैं करा देता हूं, मेरी बात सुनो बेटा, एक बात बताओ कितना नीचे है जेड नॉट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज एम जी जेड नॉट, मेरी बात ध्यान सुनना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज व्हाट, एम जी जेड नॉट, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी जेड नॉट। अच्छा अब इस ड्रामे के दौरान इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ स्ट्रेस एम जी अपॉन ए इनटू व्हाट स्ट्रेन, कोई बात नहीं कट जाएगा, क्यों परेशान है, स्ट्रेन इज जेड नॉट अपॉन एल, हाँ या ना, इनटू वॉल्यूम ए इनटू एल, खुश हो जा,
ये आया। एक बात बता, अगर मैं ऐसे भी कहूं तो नेगेटिव ऑफ दिस इज वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ या ना? तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं तो मैं कहूंगा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही कहूंगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज दिस मच, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ दिस। लेकिन वो जो ब्लॉक नीचे गिरा वो काइनेटिक एनर्जी लेके तो गिरा नहीं, हमने क्या कहा था धीरे धीरे नीचे आता है। मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ शुरू से, एलोंगेशन क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में नहीं आया बचा हुआ हिस्सा, तो कहां गया? इन फॉर्म ऑफ हीट। इन फॉर्म ऑफ व्हाट? हीट। क्लियर इतनी बात? तो अब हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो हाउ मच हीट इज जनरेटेड, कितना हो गया? एम जी जेड बाय टू। अरे यस और नो? चलो आज इतना ही करो, कल फिर हम इलास्टिसिटी को और पढ़ेंगे।